आज रंग हरी माँ रंग हरी आज रंग है मोरे जोबन पे जोबन आया मोहे पिया मिलन रुत मन भायो मुआ जग बैरी का है संग हरी आज रंग है। दूसरी शहजादी भी मुश्किल में है, मुश्किल तो होगी, मुश्किल तो होगी खाला। वो कहते हैं कि इश्क हकीकी आम मोहब्बत से शुरू होता है, आम गली मोहल्ले की मोहब्बत से, जैसे फरीदा साजदा की मोहब्बत। ला के वास्ते हसिया जा यहां से। सॉरी आपी, मेरा मकसद हरगिज तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। मामी से क्या, मुझे रिश्ता पसंद है, लद्दे वालों से बात करें। क्या कहता है, साजदा से निकाह पढ़वा दूं तेरा? हलकाई फिरती है वो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जी, पर वो तो ओए पुरानी बात है, वो तो ओए अब तो वो हर एक के मुंह लगती है, तंग करती है, बहुत ज्यादा सर पे चढ़ गई है, पागल है उल्लू की। मुझे क्या इनकार होगा जी, पागल है तो क्या हुआ। आ जा फिर, करता हूं कुछ। आओ चाचा जी, मुबारक हो। तुझे भी मुबारक हो। मैं तो सोच रहा था कि घर मिठाई लेकर आऊंगा पूरी सवा मन। बड़ा हूं इसलिए समझा रहा हूं, बहनों की शादियों की इतनी खुशियां नहीं मनाते। लद्देवाला से शगन आ रहा है, मुझे नहीं मालूम था कि तू पायकूब के बाद इस तरह सारी रवायतें भूल जाएगा। लते वाला नान का तेरा, वही कर रहे ना आसिया की शादी, कर ले, लेकिन ढोल ना खड़का, लड्डू ना बांट, बेटियों वालों के सर झुके हुए ही अच्छे लगते हैं। और जब से आप ही के मंगेतर की डेथ हुई है, तब से ये बात तो डिसाइडेड है कि आप ही की अब कभी शादी नहीं होगी। And what about you? तुम्हारी शादी? मेरा मतलब है कोई कोई मंगेतर, कोई कजन? मेरी शादी? हाँ, सब लड़कियां एक ना एक दिन शादी तो करती हैं। तुम्हारी आप ही के साथ ट्रेजेडी हो गई, लेकिन तुम्हारी दूसरी बहन जीजी, उनकी तो शादी हुई थी। मैं शादी नहीं करूंगी। क्या
मैं पढ़ना चाहती हूँ। भाई कब तक? जब तक आप मुझे पढ़ा सकेंगे। लेकिन सर बात में जब लेकिन आ जाए तो इस लेकिन के ऊपर से घूम के गुजर जाना चाहिए, इसे पार मत करना, घूम जाओगी। मैं घूम ही जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू बी कास्ट अवे किसी अकेले जजीरे पे जहां और कोई भी ना हो। आसिया तन्हाई सिर्फ जजीरों पे नहीं होती, अक्सर लोग महफिल में भी तन्हा हो जाते हैं। चलो अंदर चले, धूप तेज हो गई है। निके मियां जी पानी। राणा कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक नहीं है जी। क्यों? कल तक तो चंगी भली थी, पूरे घर पे कब्जा करती फिरती थी, आज क्या मौत पड़ी है? ओ जी, शलगम गोश्त पकाया था ना तो तबीयत खराब सी हो गई उनकी, जरा जी मतला आ रहा है। अच्छा और किस खुशी में आई है मिठाई? मैंने आसिया का रिश्ता पक्का किया। अपनी आसिया का रिश्ता? हाँ, मामी जरीना के मैके का लड़का है, जमीन वाले हैं, बस एक दो दिन में आएंगे। अच्छा तू जा। आसिया से पूछ लिया है? आसिया से क्या बात करनी है, सरीना मम्मी बड़ी है, उसके सलाह मशवरे से हो रहा है जो हो रहा है, आसिया से क्या पूछना है? हाँ, वो तो ठीक है लेकिन आप ही। नजीर फातिमा चली गई, मैं इसी घर में कल सड़ रही हूँ। आसिया की शादी तो लेने दे अल्लाह के वास्ते। खालना बतूल जी। आपी जी खाता आसिया को पहुंचाना है। लोर जी। हाँ कौन लेके जाएगा? देखती हूँ जी, कोई ना कोई तो दे ही आएगा। ध्यान रखी फरीद के या राणा के हाथ ना लगे। आप फिक्र ही ना करें जी, समझे पहुंच गया।
वली मोहम्मद, ओ वली मोहम्मद, किथे रह गए वली मोहम्मद? ओ आ खाला, वो जब भी आती है कोई नई बात लेकर आती है, आज की चाहिए? राजा, मुझे तो एक कोई बात की खुशी है कि उस खसमानु खानी साजदा के साथ जो हुआ है, पौंकी जा रही थी, मैंने ना क्या किया कि तेरी दी हुई गोली खोल के पिला दी उसे, सोई मोई पड़ी है। वो अल्लाह से डर? क्यों, मैं क्यों डरूं? ओ ना डरे जिसने सबको नचा के रखा हुआ था। चल छाड़े से, ये बता कैसे आई है? ये ले। ओ ये क्या है? लफाफा है, लाहौर लेके जाना है आसिया बीबी को देना है। ओ पागल हुई है खाला, ओ मैं मरना है मैंने ये काम करके? हाय हाय, अड्डा बेसबरा तू, बह जा, गल तो सुन मेरी पूरी। देख ये ना आपी जी ने दिया आसिया बीबी के लिए, खत है, बड़ा जरूरी है। ओ फिर भी मैं ये काम नहीं कर सकता, वो सारी जिंदगी नमक खाया है उनका, मैं तो पर्दे वाली बीबियों का नाम तक नहीं ले सकता, और ये? अच्छा, नाम तक नहीं लेता तो उस दिन आसिया बीबी के पीछे कौन खड़ा था, हैं? बोल कौन खड़ा था? ओ खाला वो तो मैं। अच्छा बस, कोई सप नहीं है इस लिफाफे में, खत है खत। आपी जी ने आसिया बीबी का रिश्ता तय कर दिया, उसका जिक्र है इसमें। ले फड़, ले जला, और स्वाब मिलेगा तुझे, पहुंचा दे इसे। मुझे साजदा डैन से बड़ा डर लगता है, इसे कहीं भेज दे। उससे डरने की जरूरत नहीं है, उसका इंतजाम मैं कर चुका हूं। मुझे किसी और चीज से डर लगता है। किससे? किसी से भी नहीं, बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। हाँ, वो आप ही ने आसिया का रिश्ता तय कर दिया है, देख लेना। मुझे लगता है कि मामी जरीना के खानदान के कमीन होंगे। हाँ तो आप ही मुझसे कौन सी हर बार डिस्क।
सो इम्तिहान भी तुम्हारे खत्म हो गए, अब क्या करोगी? एमफिल? चलो 4 साल में वो भी हो जाएगा, उसके बाद पीएचडी। और फिर? मालूम नहीं, शायद यहीं पढ़ाना शुरू कर दूं आपके साथ। अमीना आयरलैंड से वापस आ रही है। तो वो बहुत शक्की है। तो जाओ लड़की, अपना हाथ दिखाओ, तुम्हारी किस्मत की लकीरें पड़े। आपने बताया नहीं मैडम, अमीना के आने के बाद क्या होगा? क्या होगा भाई, जो होगा हमें क्या मालूम, क्या पता कौन कब अपना रास्ता बदल ले। मैं रास्ता नहीं बदलने वाली। मुकरने वाला कभी जिंदगी में खुशी फिर ना पाए। चलो यूं ही खत्म करते हैं अपनी कहानी। मैं रास्ता नहीं। अंदर आ गया। कहो क्या काम है? आसिया, I think you should go inside. हमें जवान बताओ क्या बात है? आप कौन है जी? मैं आसिया का उस्ताद हूं। उस्ताद? हाँ उस्ताद। क्यों आपको इसे क्या, पुलिस से लगता है गांव से आए हो, याकूब मलकान के गांव से आए हो? वो आप घर के आदमी ही लगते हैं जी। वो एक चीज देनी थी। हाँ बताओ। पता नहीं आपको देनी है कि नहीं वो चीज। थोड़ी देर तक चौकीदार आ जाएगा, उसे अपना काम निपटा लेना। ओ, बात तो सुने जी, ये रुका। ये क्या? ये बीबी ने भेजा है गांव से, इधर वाली बीबी के लिए। आसिया के लिए? वो हम नाम नहीं लेते जी पर्देदार बीबियों का। बस ये देने आया था, जवाब दे दे मुझे। अच्छा बैठो। माशा
माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह, हाय कितने सोने कपड़े, मुझे तो ना वेख वेख के खुशियां चढ़ रही हैं। अल्लाह वो दिहाड़ा लाए जब आसिया बीबी दुल्हन बने। अल्लाह बख्शे, अब्बा जी तो उसे मेम बनाना चाहते थे। हाँ हाँ आपी जी, जब बादशाह चले जाते हैं ना तो शहजादियां ऐसे ही रुलती हैं। अल्लाह ना करे कि वो रुले, अल्लाह सोना उसके नसीब अच्छे करे, उसे मोहब्बत करने वाला शोहर मिले। बस जी, ये सारे तो नसीबों के खेड़ होते हैं ना। नसीब नसीब के आगे कौन डट सके। उसे देखना, चाचे की धी को पंज फूलों बाद शहजादी बनी बैठी। पता नहीं मेरी जीजी का क्या हाल होगा। बेचारी जीजी, वो रुका किसको दिया था तुमने? आप फिक्र ना करें जी, बड़ा एतबार वाला बंदा है। कैसे फिक्र ना करूं, फरीद को तो उसके चा चढ़े हुए और मैं उनको बुला बैठी हूं। अब अगर आसिया ना आई तो शगन कैसे होंगे? आपी जी, अगर आप बुरा ना मनाए तो एक बात पूछूं जी आपसे। पूछ। आसिया बीबी मान जाएंगी? उसे मानना पड़ेगा, वो मानेगी। बस एक बार आ जाए सही। तो फिर आपके क्रेडिट्स आगे ट्रांसफर नहीं होने, अब सारी फीस वापस है, तो रिजेक्शन है। पूरी ना हुई तो क्रेडिट्स पूरे नहीं होंगे। सर, सर ये। तो तनवीर आप जाए, मैं आपसे बाद में बात। सर ये खत। ये वही है जो हवेली से आया था, वो तुमने साइड पे रख दिया था। तो क्या इसमें से जिन निकल आया है? सर, कोई मजाक की बात लग रही है? ये मेरी जिंदगी मौत का मामला है। अकेले में बात करते हैं यहाँ मुनासिब नहीं है, आओ। वो लोग आ रहे हैं आसिया का शगन लेने। तू बाज नहीं आई है? बाज नहीं आई तो भारी पड़ रही है आसिया, पढ़ रही है, उसको पढ़ने दे। अपने प्यारे अब्बा जी का अल्लाह बख्शे ख्वाब था कि हाय हाय आसिया पड़ जाए। अब्बा जी नहीं रहे तो ख्वाब क्या रहना था। मैं चाहती हूँ आसिया की शादी जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है ठीक है, लेकिन वैसे ठीक नहीं कर रही है तू। जानता हूं लद्दे वाले लोगों को मैं, कमी है, कमी कमीन है वो लोग। कमी कमीन ही सही। मैं कम से कम अपनी बहन को मिल तो सकूंगी। और ये जो सपनी मेरे कलीजे पे बैठी है गोले राणा। अरे बस भी कर, छोड़ दे, दफा कर, कोई और बात कर ले। कुंजियां कहां है अब्बा जी की? हाँ? अब्बा जी की कुंजियां कहां है? हाँ चाबियां कहां है? तू बता कहां है? आसिया का जेवर नहीं देना? हाँ देना तो है।
लेकिन जब वो अब्बा जी फौत हुए हैं तो मैंने नहीं देखी उसके बाद। तो थोड़ा ताला आसिया का जेवर तो देना है ना। लेकिन ठहर जा, ढूंढ लेते हैं। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। याद आया, वो अपनी साजदा थी ना अब्बा जी के पास, जब अब्बा जी ने दम दिया है तो कौन था? साजदा ही तो थी उनके पास। साजदा और तू ही तो थे अब्बा जी के पास। मैं तो बदनसीब था ही नहीं अम्मा जी के पास। मुझे तो मौका ही नहीं दिया कि मैं अम्मा जी के साथ होता। सच ला भाई, दिखाओ इसमें क्या लिखा है। देव, इस बड़ी बरसात में तो मैं नहीं पढ़ सकता, बाद में आराम से पढ़ूंगा। बताओ क्या बात है। आप ही ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। Congratulations. सुनिए, आप कह रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? सर, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहती। आसिया कम आओ, अब ये बचकाना बातें छोड़ो। मैंने तो आप ही का खत पूरा पढ़ा भी नहीं, बस ये पढ़ा कि जल्दी पहुंचो, मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। और देखो, अब ये बेवकूफ बातें खत्म करो, जाने की तैयारियां करो, और हाँ, मुझे शादी पे जरूर बुलाना। सर, आसिया, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, लेकिन इस लेके मैं खो जाना चाहती हूँ। सोच लो, बाद में शिकवा मत करना। ठुकने वाले शिकवा नहीं करते। ठीक है, तो फिर घर जाओ और इनकार कर दो, और अगर वो इनकार की वजह पूछे तो मेरे पास भेज दे। परेशान हो? आप ही ने परेशान कर रखा है। कोई मसला? कहती हैं कि आसिया को जेवर चढ़ाएंगी। हाँ तो क्या हुआ, ये तो रीत है ना? हाँ, रीत तो है, लेकिन अगर जेवर की झलक पड़ गई उन कमीनों को तो जमीनों में भी शरीक बनने आ जाएंगे लद्दे वाले कमी कमीन। तो मना कर दो आप ही को। हाँ,
बड़ी अजीब भारत है आपी, तू नहीं जानती उसे। बात को बहुत घुमा के करती है, सीधी बात उसकी अकल में नहीं जाती। हाँ अभी है तो ऐसी। जीजी की शादी के बाद तो और भी बिगड़ गई है वो। चुप कराया जा सकता है उसे। वो कैसे? साजिदा वो थी ना अबाजी के, आप ही को समझा सकती है वो। साजिदा उसके पास जाना पड़ेगा। मुझे पता था आप अपनी साजिदा को कभी नहीं भूल सकते। अरे भूलना और याद रखना तो लंबी बातें हैं। तूने किसी के साथ चाबियों का जिक्र तो नहीं किया था? चाबियों का? नहीं तो क्यों? ले पकड़ ले। अरे आप ही शोर मचाएंगी आज, बड़ी जल्दी ध्यान आ गया उनको इनका। आप ही जी को चाहिए चाबियां? मांगेंगी तो दे देना, कहना कि वहीं कहीं है अब्बा जी के कमरे में, इधर उधर से ढूंढ ढांड के पकड़ा देना। कई दफा रात को लगता है जैसे वड्डे मियां जी यहीं कहीं पर आमते में घूम रहे। बड़ा डर लगता है। ओए ना तो पागल बनो ना ही बना मुझे, बस इतना अरसा पता नहीं चलना चाहिए किसी को कि ये चाबियां मेरे पास थी। हाय रे मियां, ये तो चाबियां हैं, यहां तो किसी को ये भी याद नहीं कि मैं कितना अरसा तेरे पास रही हूं। राणा बीबी वो क्या फर्क पड़ता है खाला?
किसी भी बात से क्या फर्क पड़ता है। तौबा तौबा जी, इतनी बेहयाई, किले वाल लेके सवेरे बुर्ज खाने। कुंजियां कहाँ हैं? नी कौन सी कुंजियां? कौन सी कुंजियां? अब्बा जी की कुंजियां, पड़ोलों की कुंजियां, तिजोरी की कुंजियां, हवेली की कुंजियां, और कौन सी कुंजियां मर जानी है? उधर ही होंगी मियां जी के कमरे में, और कहाँ जानी है? अच्छा, वहां तो नहीं है। तुझे कुंजियों का नहीं पता तो रोज तू ये दाने कहां से निकाल के पीसती है? वो तो जी मैं वली से उधार लाती रही। उधार लेके आती है? तू हवेली में दाने उधार लेके आती है मुझसे पूछे बगैर? चल ना जरा तू देखे ना वहां जाके, चल चल के कुंजियां ढूंढे। बली, रुका दिया है? आहो दे आया हूं। कोई जवाब आया? तूने मुझे रुका देने को कहा था सो दे दिया। उससे आगे का काम अब मेरा तो नहीं था ना। मैं तो ऐवें पूछ रही थी। उधर ना हवेली में वो साजदा है ना, तौबा तौबा भाई तौबा, उसने ना वो तुझे हजार दफा कहा है ना करिया कर ऐसी बातें, ना करिया कर, वो पर्दे वाला घर है, बाहर आके ऐसी बातें ना किया कर। उधर की ना इस साजदा कमीनी कौन सी पर्दे वाली है? तू शुक्र कर मियां इसहाक मलकाना खामोश है अभी, उसने डांग उठा ली ना तो। मैं सोचती इस साजदा ना होती मनाऊस तो क्या था। चल फिर आज ना मैं इसका भी कोट भरती हूँ। वो मियां फरीद ने कहा है कि साजदा का मुझसे ब्याह करा देगा। क्या साजदा का ब्याह तेरे साथ? वाहो, अब किधरे तो ब्याह करना है ना मैंने। आप ही तो मुझे बहुत प्यार करती हैं, इसी प्यार की वजह से उन्होंने तुम्हारा रिश्ता भी ढूंढ लिया। बड़ा अरमान है उन्हें अपनी लाडो बहन की शादी का। भाई कल तेरी शादी हो रही है, हाँ? मैंने सोचा कि
नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। हवेली वाले सखी बहुत है, देने पर आए तो क्या कुछ नहीं दे देते। और मुझे पूरी बात बताओ, ये लद्दे वाले कौन है, क्या है ये सब? अम्मा!